What's up guys, welcome back to Indriksh Video. आज हम देखने वाले हर घर तिरंगा एंथम फ्रॉम द चैनल डेली कल्चर. और इस वीडियो के ऊपर काफी डिमांड थी, काफी कमेंट्स आ रही थी, तो फाइनली आप लोग के लिए इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आप वीडियोस और भी सेज कर सकते हो. और ये मुहिम छेड़ी गई है मोदी जी के द्वारा भी, जो हमारे प्रधानमंत्री है, कि हर घर तिरंगा, मतलब अपने 15 अगस्त तक तिरंगा लगा. तो लेट्स सी दिस एंथम और आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके. करें शुरू, 1 2 3 एंड गो. भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, प्रण घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. बहुत सुंदर. हर जगह दिखाया क्या बात है. सारे एक्टर्स को लिया हुआ है सेलिब्रिटीज. आसमान को माना है, आसमान से आगे जाना है. क्या बात है. नए भारत की नई कहानी, अब आसमान को सुनाना है. है इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे. अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. तिरंगा चंदा मन मनेगू त्रिवर्णा. क्या व्यू लिया हुआ है, अमेजिंग. सारे स्टेट कल्चरल भी, सेलिब्रिटीज भी, हर स्टेट से. इंडिया चोपड़ा. बहुत ही बढ़िया. ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, क्रिकेट, बॉलीवुड स्टार्स, हर तरीके से. बहुत ही गजब भाई, प्यारा लगता है. क्या बनाई है वीडियो, एक नंबर. केसरिया रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा. रंग देश के माथे पे. श्वेत है क्या, श्वेत रंग सत्य का, सत्य का. ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा. रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का. इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा. बहुत ही प्यारा भाई साहब, क्या वीडियो बनाई है. हैट्स ऑफ. बहुत प्यारा, सुकून, गूज़बम्स, हर एक चीज इस गाने में. आजादी का अमृत महोत्सव 13-15. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा. पिक्चराइजेशन, जो सिनेमाटोग्राफी इसकी, क्या वो इतना मतलब प्यारा लग रहा था. सेलिब्रिटी से लेकर एक आम आदमी, हर एक को कवर किया गया इसमें. कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें, हर एक चीज इसमें. जैसे भरतनाट्यम वाला भी दिखाया था, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे पैरालंपिक्स वाले हो, क्रिकेटर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, जैसे प्रभास भी थे, वरुण धवन, अमिताभ बच्चन जी, अजय देवगन, सभी थे. और विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, तो
जिस तक ये वीडियो इतनी प्यारी बनाई हुई थी और इसमें सोनू निगम ने गाया, आशा भोसले जी ने गाया हाँ। और इसमें देखा था कि जब आशा भोसले जैसे कहती कि वो केसरिया को श्वेत हाँ, रंग को हरे मतलब रंग को हर एक उसको बताया कौन सा किस चीज का प्रतीक है। और वहां से जब फास्ट पेस में जब गाया ना भाई साहब, वो मूवमेंट तो बहुत ही गुजरात वाला था। पिक्चराइजेशन सच में कहूंगा बहुत ही अमेजिंग, चाहे ड्रोन शॉट्स लिए हुए थे, चाहे अलग अलग लोकेशंस दिखाई थी, और जैसे हर घर पे लहरा रहा तिरंगा लेके भी सेलिब्रिटी चल रहे हैं, ये चीज ये पेट्रियोटिज्म जो मतलब तिरंगा जैसे हम कई बार जाते हैं दिल्ली से भी वहाँ हाँ। वाला जो वो है जो एकदम पूरा लहरा रहा होता है ना इंडिया गेट पे, वहाँ दो तीन जगह बहुत बड़ा कनॉट प्लेस में भी देखा है वहाँ पे, वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है जो वेव्स आती है ना हाँ हाइट पे पूरा वैसे लहरा रहा होता है, और बहुत प्राउड फीलिंग भी होती है वो। एक देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जाति इन सबको छोड़ के एक जो जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो देशभक्ति जो पेट्रियोटिज्म होता है ना वो, क्योंकि हम मिलके रहेंगे तभी हम रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो जितना मॉडर्न चीजें आती जा रही लेकिन उतना ही खतरा भी, जैसे अब चाइना और ताइवान की टेंशन हो गई है, रशिया यूक्रेन को गया, तो हमें इंटरनल इन चीजों से हटके हमें एज एकजुट होकर क्या बोलते हैं हर घर तिरंगा, कहने का हर एक देशवासी में पेट्रियोटिज्म वाली भावना होगी ना, तभी हम एज अ वन मैन आर्मी इन द सेंस कि एक इंडिया है वो खुद एक मतलब सब लोग मिलके एक शक्ति बनेंगे तभी वो चीज है। और कई लोग मतलब जैसे देखो पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं लेकिन सब लोग एग्री ये करेंगे कि जो खासियत अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है वो उतना स्ट्रॉन्ग लीडर बहुत कम होते हैं जो फेस टू फेस जाके कोई भी बात होती है मुंह पे कह देते हैं और स्टैंड लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं कि किसी कंट्री से झुक जाते हैं वो कोई भी देश हो, जहां देश के लिए बात आती है वहां पर दबंगई वाली बात होती है ना कि भैया स्टैंड लेना है तो लेना है ये चीज। और वीडियो बहुत ही जो विजुअल्स थे ना हर तरीके से ये कहेंगे कि भैया सुकून देने वाली वीडियो, और सच में वो कहते हैं ना आंखों को भैया वो मिलता है सुकून मिल गया प्यारी। एक बार तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोलूं वीडियो के बारे में, क्योंकि जो विजन लेके क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी बैंग ऑन मेरे हिसाब से, और भी निखर के आई है वीडियो। बाकी आप लोगों को कैसा लगा जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना, और मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, और वीडियो शेयर भी कर सकते हो आप लोग। बाय, टेक केयर।